गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिज़ाइन टॉपिक ले रहे हैं। डिज़ाइन में जैसे कि एलिमेंट्री में जिस तरह से डिज़ाइन किया जाता है वही पार्ट हम लोग स्टार्टिंग में ले रहे हैं। जैसे कि अगर आपने इस तरह से आपने कलर भरा, ट्राइंगल स्क्वायर ओवरलैपिंग किया आपने, उसके बाद कलर्स भरने के बाद आप डायरेक्ट ब्रश से कोई भी कलर्स लेके, अगर सपोज इधर लाइट कलर है तो डार्क कलर का बैलेंस, डार्क कलर है तो लाइट कलर से, तो इस तरह से एक टेक्निक आप, अगर अभी आपके पास कलर्स अवेलेबल नहीं रहेगी तो उसके लिए एक मेथड दे रहा हूँ मैं आपको। आप आपके पास जो पेज अवेलेबल है उसी से डिज़ाइन, खाली कोई भी पार्ट भरते रहना। जैसे कि सपोज मैट टाइप 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 लाइक दिस, इस तरह से। और जैसे कि और पार्ट है, अभी इसका बैलेंस हम लोग इधर भी कर सकते हैं, इसका बैलेंस इसका कर सकते हैं, लाइक दिस दो लाइन, उसके बाद ये फ्रंट से ये ऐसे कर्व लाइन, ये इधर कर्व लाइन, ये इधर कर्व लाइन, ये इधर कर्व लाइन। और दूसरी बात है कि आप डॉट्स, बिग डॉट्स लाइक दिस, इसको टेक्सचर बोला जाता है, और बहुत ही बढ़िया ड्राइंग दिखता है। कभी आप अगर कोई भी होटल्स में जाए या अच्छी तरह से ऐसे कोई पार्ट डिज़ाइन में रहता है लाइक दिस, देखो इसको टेक्सचर बोला जाता है। अगर आप अपने बिल्डिंग में टेरेस में या कोई जगह ऐसे जो लादी के जो टुकड़े हैं, टाइल्स के टुकड़े हैं ऐसे चिपका जाता है, तो उसी से बहुत ही बढ़िया ड्राइंग तैयार होता है। तो आप कोई भी फॉर्म ले लो और उसी से ऐसे डिज़ाइन आप फिल कीजिए, और मैं दो तीन आपको सैंपल भेजता हूँ। थैंक यू वेरी मच।